हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल HSM कुमाऊनी पे। तो आज हम अपने जंगलों में गए हैं ग्वाला, और जो कि आज हमने कुछ लकड़ियाँ तोड़ने का प्लान बना रखा है। तो अभी हम एक पेड़ में घुसे हैं, तो आप देख सकते हैं अभी पेड़ मई में हूँ। तो जितनी भी सूखी लकड़ियाँ हैं इनको हम ऐसे ऐसे तोड़ते हैं, ये लकड़ियाँ इनको हम फिर घर ले जाएंगे, और घर लेने के बाद हम फिर इनको चूल्हे में डालेंगे। चूल्हे में डालने के बाद इनको खाना बनाएंगे करके। और दूसरी बात, हम लोग बचपन में क्या करते थे आप लोगों को बताते थे हमसे, जैसे पेड़ है ना, पेड़ हम इस पेड़ को क्या करते थे, तोड़ देते थे। छोटे छोटे पेड़ से भी हैं, क्योंकि हम लोग जैसा ऐसे ही हम लोग पहाड़ी लड़के ऐसे होते हैं ना। तो अभी बहुत सारा बहुत ऊँचाई में पहुँचे पेड़ के नीचे, डर भी लग रहा है जाने के लिए। तो ऐसे अगर आप भी आ सकते हो पहाड़ों में तो आइए, क्योंकि पहाड़ों में जो मज़ा है वो कहीं नहीं है। क्यों दीपक? और दीपक भाई, हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया हैं। और कैसा चल रहा है गाँव में आपका तीसरा दिन? मेरे गाँव बेकार चल रहा है यार। अच्छा अच्छा, बस यही यार, हमारा भी ऐसे ही चल रहा है कट रहे दिन। और आप ऐसा है कि मतलब दिल्ली से तो लड़के मतलब लोग आ रहे हैं, उनको गाँव में आने को थोड़ा मतलब गाँव वाले डर रहे हैं, इसलिए हम गाँव से कितने दूर आ रखे हैं, वो गाँव दूर आ रखे हैं और हम यहाँ बहुत दूर आ रखे हैं। और क्या कहते हैं, फिर भी इतना है मतलब किसी के डरने या न डरने से कुछ होने वाला तो है नहीं। हाँ, जिसको होने वाला होगा वो खुद हो सकता है कभी और कहीं भी, क्योंकि ये डरने या ना डरने से कुछ नहीं होने कुछ नहीं होता है। ये खाली अपना आप सोच रहे हैं बुढ़े हो गए हैं, ये लाठी है बैलों को पटकने का होता है, बल्दू को चटखड़ा कहाँ आवाज़ हो तो ना आता। और क्या कहते हैं, फिर भी यार गांव मतलब जो मतलब डर रहे हैं लोग बाग, उनसे यही कहना चाहेंगे कि हम कितना डरे ना, मास्क अपना हमेशा लगाए रखें और बार बार सैनिटाइज करते रहें, और अपने हाथों को बार बार धोते रहें, क्योंकि आपको साबुन स्लो है, हमारा नहीं है। हमारा तो रिट्ठू के विषय भी हो जाता है काम, हम दिल्ली वाले हैं। हाँ, हमारा रिट्ठू के विषय हो जाता है, तो हमारा साबुन स्लो, हमारा साबुन स्लो नहीं है। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें। वैसे भी आजकल बाहर नहीं निकल पा रहे हैं लोग बाग, क्योंकि बारिश हो जा रही गाँव में, और बारिश हो रही है तो मतलब दीवारें टूट रहे, रास्ते ब्लॉक हो जा रहे हैं। आज हमने सुबह सुबह एक मनरेगा वाला काम कर रखा है, तो उनको चालू करने के लिए हमें मनरेगा मजदूर बनना पड़ रहा है। मजदूर बन के हम फिर वो मजदूरी वाली काम करने पड़ रहे हैं। वो फोटो हम यहाँ पर डाल देंगे, हमने सुबह काम किया था मजदूर वाला, आपको बताएंगे आगे। और हमारा ये इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, आई नहीं थिच दिया कि थिच थिच दिया थोड़ा। अब हम तो अब स्कूल में मूड भूखना था ना, मूड को पहुंच गए और थोड़ा नाश्ते था से खोल ब्रो मत फन और बन लाएगी गुंड, लाएगी ब्रो फन और गुंड ला रही ब्रो पूरे मेरे पास पड़ोसी बांध रहे दिन एक गुंड आउच में पिछली पोर हूं। अब यशो बाबा घर पर हम नहीं आए, हमको डर लग नहीं। अब के कौन बाप, तुम बताओ बाप, हम लोग थोड़ा आज तक तू तब तो घूमे आज ना हमर यशो आया फुटा तो मुरी जमी और के कौन है ऐसा है। तो गांव में लोगों भाई लोगों ऐसे ही है, क्योंकि अब हमें यही कहना चाहेंगे आपसे कि जो गांव में लोग आ रहे हैं दिल्ली से, उनको क्वारंटाइन किया जाए और जो आ चुके हैं उनको तो रहने दें। हाँ, जैसे कि मुझे जैसे कि हम लोग क्योंकि पता है हम लोगों का कोरोना भाग गया है, क्योंकि हमने बाहर बारिश में भीग गए, बारिश में बहुत भीग गए। तुम कल हमारे कल की वीडियो देखना, हम लिंक देंगे इसमें, हम बहुत भीग चुके हैं बारिश में, बहुत भीग। कल हम तीन चार जोड़ी कपड़े बदले, हमारा जो कोरोना है वो भग गया है। और कुछ हमने गांव में आने से पहले भगा दिया, कुछ गांव आके भगा दिया। हाँ जी, हम पूरे ऐसा है कि आप हम तंदुरुस्त हो एकदम। हम क्या करते हैं वो दिखाते हैं, वीडियो में दिखाएंगे, इस पेड़ को तोड़ के दिखाएंगे हम लोग ऐसे क्या करते हैं। बस पहले से करते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं हम ये पटपटा खेल का नाम लियो यूं या पर बेइज्जती है कि टूटना है नहीं टूटनी क्योंकि मजबूत बहुत हो। हम पहुंच चुके हैं स्कूल में, तो अब स्कूल में जा रहे हैं। अब हम क्योंकि हमारा ग्वाले का टाइम हो गया खत्म, और हम जाएंगे घर को। तो अब चलो दीपक, अब हमको घर को जाना है, तो हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे यहाँ से। हम जंप करेंगे, ये जंप किया हमने, इसमें कैमरा भी हिला होगा, थोड़ा कैमरा हिल गया होगा हमारा, वो तो कोई बात नहीं। ये रास्ता है मंदिर के, यहाँ पर हमारी नई बिल्डिंग बन रही है स्कूल की, तो हटो उसको हटाओ अपना, ये बन रही है नई बिल्डिंग, ये हमारे स्कूल के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उन लोगों ने इस रास्ते को बनाया। तो हम पहुंच चुके हैं अपने स्कूल के भूमिया मंदिर में, तो पहले हम भगवान जी को प्रणाम करेंगे, उसके बाद आपको दिखाने वाले हैं ये गेट। देखो आप, ये इस गेट बनाने वाले को राष्ट्रपति ने पुरस्कृत कर रखा है, उनको बुला रखा है संसद भवन में, और ये राजभवन में बुला रखा है संसद में। भूमिया मंदिर की गेट की एक सराहनीय बात, और ये है हमारा संसद भवन।
ये बंदा है संसद भवन। आईटी दिखाऊंगा इसमें, इसमें बड़ी बड़ी घंटी है, ये हमारे समय चली है सन 2012 में। और ये हमारा भूमिया मंदिर, जय हो भूमिया। यहाँ जो सबसे बड़ी घंटी है ना ये वाली, ये हमारे बैच की है 2012 की। तो हमने 12 पास किया था और 2010 में 10 पास किया था हमने, और 2012 में 12, तो उस पार के। अब हम चलते हैं घर को, चल देखो। और यहाँ हमने बहुत पेड़ लगाए, देखो मंदिर के सद्बुद्धि के लिए हमने इतने पेड़ लगाए थे। बल भाजी हमारा, आप भाजना हमला है। हमारे बैल भाग गए थे इसलिए हम लोग बीच में कुछ दिखा नहीं पाए ये, और अब हम सीधे घर पहुंच चुके हैं। इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी, आज की वीडियो छोटी रखनी हमने, इसलिए तो अपने वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें, और धन्यवाद। और उत्तराखंड देवभूमि से बने रहना, SSM कुमाऊँनी से हमें किसान बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।